call the legislations draconian and in violation of the islanders' rights. Calls for the administrator, a former BJP leader Praful Kodabhai Patel, to be removed have gained pitch. Patel assumed charge on December 5, 2020. The first law reform he undertook was the implementation of the Gunda Act. Islanders said this was undemocratic in a place where crime was rare and prisons were almost empty. The draft Lakshadweep Development Authority Regulation 2021 is also highly unpopular. दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देश के उस महाद्वीप की बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर खबरों में नहीं रहा, और वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आजकल खबरों में है, पर इतने सालों से अगर आप देखें तो लक्षद्वीप ज़्यादातर कभी कभार खबरों में आया है, कोई नेता वहाँ छुट्टी मनाने गए अपने परिवार के साथ, इसके सिवा खबरों में नहीं रहा। मतलब वो एक शांतिप्रिय जगह है। और लक्षद्वीप के बारे में पहले उसके नाम से बता दूँ कि जब वहाँ द्वीपों बहुत सारे द्वीप हैं और उसकी जब काउंटिंग शुरू की गई, उसका गिनती शुरू की गई, तो किसी ने देखा एक है, दो है, तीन है, 30 हो गए, तो उन्होंने कहा ये तो लाखों द्वीप हैं यहाँ, तो उसका नाम लक्षद्वीप पड़ गया। वैसे वहाँ 36 द्वीप हैं और इन 36 द्वीपों को मिलाकर लक्षद्वीप कहते हैं। केरल से इसका जल मार्ग से मरीन रूट जो है वो केरल से जुड़ा हुआ है। अब लक्षद्वीप की खासियत आपको बता दूँ कि लक्षद्वीप की जनसंख्या भी बहुत कम है, करीब 65,000 के करीब है, और ये 65,000 जनसंख्या में 96% लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं, और आबादी का बहुत बड़ा भाग ये मछली मारने पर, समुद्र से जो ये किया जाता है उद्योग, उस पर आश्रित हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम ये क्लोज टू ज़ीरो है, यानी इसमें ज़्यादा वहाँ बेरोज़गारी नहीं है जो देश की बड़ी समस्या है, और क्राइम बहुत कम है, जेलें खाली हैं और काम लोग करते हैं। यहाँ अभी तक शराबबंदी थी, यानी शराब का ऑफिशियल उस प्रकार से कोई नहीं था, और ऐसे एक शांतिप्रिय महाद्वीप में उपद्रव कैसे किया जाए वो हमें अभी दिख रहा है। अभी तक क्या था कि जो रिटायर्ड कोई ब्यूरोक्रेट होते थे, नौकरशाह अफसरशाह होते थे, उनको वहाँ का इंचार्ज बना दिया जाता था, और एक जो उनका पैटर्न चल रहा है, जीवन मान चल रहा है, उसके आधार पे लाइफ चलती रहती थी। और ये भी बता दूँ कि वहाँ पर्यावरण इकोलॉजी के हिसाब से लक्षद्वीप बहुत अच्छे तरीके से उसका उपस्थिति है। तो खैर, उसका ज़्यादा संबंध केरल से है और ज़्यादा ये नहीं है। अब ये खबरों में आ गया। खबरों में क्यों आया भाई? क्योंकि ये प्रफुल्ल पटेल नाम के आरएसएस ट्रेंड भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको वहाँ का इंचार्ज बना दिया गया, और उनके आने के बाद उन्होंने एक पूरा कहर ढा दिया जिससे द्वीप में हलचल मच गई, और द्वीप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्थानीय लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हो गए। उन लोगों से कंसल्ट किए बगैर, उन लोगों से राय लिए बगैर, ये ऊपरी तौर से इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन लाए। पहला काम इन्होंने ये किया कि भाई ये जो मच्छीमारों का एक बहुत बड़ा शेड होता है उसको तोड़वा दिया, तो मच्छीमारों का उद्योग वो डाउन हो गया, लोग बेरोज़गार होना चालू हो गए। फिर दूसरा उन्होंने किया, वो गुजरात के हैं प्रफुल भाई, गुजरात में शराबबंदी है, लक्षद्वीप में आके उन्होंने शराबबंदी को खोल दिया, शराब को ये कर दिया। तीसरा, अभी तक वहाँ कोविड नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस पर एक अच्छे से रिस्ट्रिक्शन लाया था, उसके आने वालों पर अच्छी चेकअप क्वारंटाइन की फैसिलिटी रखी थी, तो वहाँ अभी तक कोविड नहीं था। अब प्रफुल्ल भाई के आने के बाद ये सब चीज़ें उल्टी हो गई। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इन्होंने आने के बाद सोचा, ऐसा कहते हैं कि भाई हम इसको एक टूरिज़्म का स्पॉट बनाएंगे, बड़ा स्पॉट बनाएंगे, इसलिए बड़ी होटल्स बनाएंगे, इसके लिए बेचारे मच्छीमारों का जो शेड था उसको तोड़वा दिया गया, जो शराब की बंदी थी उसको खोल दिया, और वहाँ की फूड हैबिट्स में अब ज़्यादातर
95% लोग मुसलमान हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना पॉपुलर है, बीफ पर कोई बंदी नहीं थी। तो इन्होंने आने के बाद बीफ के ऊपर पूरा बैन लगा दिया, उसके स्टोरेज पर, काउ स्लॉटर पर और बाकी चीज़ों पर बैन लगा दिया। वैसे लगे हाथ ये बता दूं कि केरल में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में भाजपा ने इस प्रकार के बीफ बैन की बात कभी नहीं की, पर लक्षद्वीप में आते ही उन्होंने इसको शुरू किया और जो लोगों की फूड हैबिट्स के पूरे विरोध में जाकर उन्होंने ये दो चीज़ों को लागू कर दिया। तो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी तरफ शराब को खोलना, तीसरी तरफ इनके खाने पीने के तरीके को डिस्टर्ब करना, ये पूरा लक्षद्वीप में चालू हो गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि लक्षद्वीप में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो शांति प्रिय है, जहाँ की जेलें खाली हैं, लोग पूरे पूरे एम्प्लॉयमेंट में हैं, वहाँ इस प्रकार के परिवर्तन लाने की क्या ज़रूरत है। फिर एक और है, जैसे मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप का ज़्यादा संबंध ये केरल से रहा है, मरीन रूट, जल मार्ग वो केरल से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने वो बंद करके उसको मैंगलोर से जोड़ दिया। क्यों भाई? क्योंकि केरल में तो कम्युनिस्टों की सरकार होती है या बीच बीच में कांग्रेस का गठबंधन आता है, और कर्नाटक में ये ऑपरेशन कमल के माध्यम से भाजपा पावर में आ गई, कर्नाटक जहाँ मैंगलोर है, तो वो भी एक सोचने की बात है। तो भाजपा का एजेंडा क्या है? अब यहाँ लक्षद्वीप में देखे तो ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान चैन से रह रहा है तो उसको चैन से न रहने दो, ऐसा ही कुछ एजेंडा दिखता है। क्योंकि इतने शांति प्रिय द्वीप में इस प्रकार के परिवर्तन लाना जिससे पूरे द्वीप के लोगों को तकलीफ हो और वो जो शांति हो वो भंग हो, और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, पर्यावरण में जो एक बहुत सुथरापन था, उस सुथरेपन को ख़त्म करें, ये एक साथ जो लाना है उसके पीछे जो मकसद है वो सोचने के लिए मैं आप पर छोड़ देता हूँ। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता की जो राय है उसको आदर दिया जाएगा। हम एक लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक समाज में जो परिवर्तन के लिए, जो परिवर्तन जनता की राय के खिलाफ हैं, उसको लाना पूरी तौर से गलत है। और ये जो महोदय इंचार्ज बन के आए हैं, वो अपनी मनमर्ज़ी से ये सब परिवर्तन ला रहे हैं, जो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जनता की राय को लेकर एक शांतिपूर्ण माहौल स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और पूरे देश में कैंपेन चलना चाहिए कि इस प्रकार के परिवर्तन जो लक्षद्वीप में उथल पुथल मचा रहे हैं, लक्षद्वीप में इस प्रकार की तकलीफ दे रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।